Hey guys, how are you? Hello everyone. हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पूरा कर लिया था, राइट? सर ऑटोमेरिज्म रेखा ऑटोमेरिज्म बाद में करेंगे। ऑटोमेरिज्म विल बी आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक अफेक्ट इन जीओसी। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर ना वी हैव फर्स्ट के ज्योमेट्रिकल से। स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है? मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बॉन्डिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन थ्री डायमेंशन स्पेस इज डिफरेंट। मतलब बॉन्डिंग सेम है, सब कुछ सेम है, मेन चेन कार्बन भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, पूरा बॉन्डिंग सेम है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, पर जो ओरिएंटेशन है थ्री डायमेंशन स्पेस में ग्रुप्स का वो अलग अलग है। ठीक है, उसके अंदर ना सबसे पहला कैटेगरी आता है कॉन्फिगरेशन आइसोमेरिज्म। उसके अंदर पहला कैटेगरी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझना इस चीज को। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर द मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बॉन्डिंग बट द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स इन थ्री डायमेंशन स्पेस इज डिफरेंट ड्यू टू difference in the orientation of groups in three dimension space is different due to inability of a molecule to rotate along its sigma bond. क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है, उस वजह से तुम्हारे पास जो ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स है वो डिफरेंट है थ्री डायमेंशन पे। एक बात बताओ कॉमन सेंस वाले, सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल क्यों नहीं होती है? अगर सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग में एक पाई बॉन्ड बना दो तो क्या ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर पाएगा क्या? गाइस, अगर एक पाई बॉन्ड बना दूं इन केस ऑफ पाई बॉन्ड तो क्या ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर पाएगा क्या? मैं रोटेट कर सकता हूं, अगर मैं सिग्मा बॉन्ड रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो मेरा पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं टूटेगा? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी साइक्लिक रिंग है, अगर किसी भी साइक्लिक रिंग के अंदर मेरे पास दो ग्रुप्स लगे हुए है ना यार, मैंने तुमको पहले ही बोला था ग्रुप्स के लिए अगर याद हो तो, कि अगर तुम्हें ग्रुप्स देखने हैं, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम है तो मैंने कहा था तुमको ना अपनी फिंगर्स यूज करनी है। मैंने कहा था अगर ये दो बॉन्ड तुम्हारे प्लेन ऑफ द पेपर में है
बाकी के दो बॉन्ड्स कहाँ जाएंगे? अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज एटम है, अगर ये दो बॉन्ड सेम प्लेन के अंदर है, तो बाकी के दो बॉन्ड, मैंने कहा था यूज योर फिंगर्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर, व्हेनेवर यू हैव टू यूज योर फिंगर्स, बाकी के दो बॉन्ड इस तरीके से जाते। अब मैं तुमको अगर ये एक्सप्लेन करूंगा तो फिर कैसे एक्सप्लेन करूंगा, एक मिनट रुको। थ्री डायमेंशन, ओके, सबको दिख रहा क्या? तो हाँ, ओके। अब देखो, 3D शेप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट वी विल डू, थिकनेस ज्यादा नहीं हो गया मतलब, ये तुम्हारा एक कार्बन एटम है, उसके बाद ये तुम्हारा थ्री डायमेंशन स्पेस में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, राइट? इसी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कह रहे हो, है ना? है ना? यस सर। एक बात बताओ, रुको, फील नहीं आई मेरे को, इसके अंदर लाइब्रेरी में कार्बन एटम मारते, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा ना, अरे नहीं बाबा, मतलब हम लोगों ने नहीं पढ़ा ना। नहीं सर। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक मिनट। हाँ
एक मिनट दो मैम। ओके तुमको ये 3D दिख रहा है ना पेन, गाइस पेन 3D दिख रहा है ना? हाँ सर। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को विजुलाइज कैसे करना है। पहले ना तुम दो बॉन्ड ऐसे बना लो, गेटिंग इट? अपने फिंगर्स से ना दो बॉन्ड ऐसे बना लो, इस तरीके से बना लिए, गेटिंग इट? अब इस बॉन्ड को ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लेन में रख रहे हैं ऐसे, एंड इसके सेंटर पे अगेन वी आर मेकिंग टू मोर बॉन्ड्स लाइक दिस, गेटिंग अ पॉइंट? सर स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है। स्क्रीन स्क्रीन फ्रीज हो गई है? यस सर। एक मिनट, अब दिख रहा है? देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है? इट बी वेरी गुड टू अंडरस्टैंड द मॉडल प्रॉपरली, ठीक है? आई विल जस्ट डिलीट दैट। देखो मैंने क्या किया, पहले ना अपनी दो फिंगर्स लो, ठीक है, उसको वी शेप बनाओ, विक्ट्री बनाते हो ना उस तरीके से, वी शेप बनाओ इस तरीके से, बन गया? बोलो हाँ। यस। अब मैंने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को ना छोड़ो, इसको देखो, इसको, ठीक है, ये जो वी शेप तुमने बनाया, यू कैन रोटेट इट लाइक इन थ्री डायमेंशन स्पेस। अब एक काम करो, इसके सेंटर से तुम क्या करोगे, एक और वी शेप बनाओगे। कैसे? मैं दो वी शेप बना रहा हूं, ठीक है, इस तरीके की, गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस। अब इन दोनों वी शेप्स को ना मैं आपस में जोड़ रहा हूं, ठीक है, जुड़ गया? जस्ट ग्रुप दैट थिंग एज वन। अब सुनो, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। बहुत अजीब सा लग रहा है तुमको कि ये स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, इस बॉल को भूल जाओ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? ये स्ट्रक्चर को विजुलाइज करो, जो ब्लू कलर में बनाया ना, एक वी शेप ऐसे जा रहा है, दूसरा वी शेप इसके परपेंडिकुलर में। तो तुम दो उंगलियां रखो, एक उंगलियां, एक हाथ की उंगलियां ऐसे रख लो और इस टाइप से,
और बाकी दूसरे हाथ की उंगलियां उसको परपेंडिकुलर में लेके जाओ। तो इस स्ट्रक्चर को हम ना टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब वो बोलेंगे सर इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे कह सकते हैं, ये देखो, गेटिंग अ पॉइंट, ये चीज ना, ये चीज इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। Like this. दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल हो गया ना? सो दिस इज टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने का सबसे बेटर तरीका यही है कि इमेजिन करो कि टू फिंगर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स यू, एक हाथ की दो फिंगर्स हैं वो तुमको फेस कर रही हैं, ठीक है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स यू लाइक दिस, और बाकी की दो फिंगर परपेंडिकुलर और एक दूसरे के, और ये जो जा रही है ना अब पीछे की तरफ जा रही है, तो टू फिंगर्स आर फेसिंग टुवर्ड्स यू, टू फिंगर्स आर गोइंग अवे फ्रॉम यू, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। गेटिंग अ पॉइंट? ओके, नाउ इस चीज को थोड़ा याद रखना, अच्छी तरह करना, इम्पोर्टेंट है। One second. Yeah. Now understand. ये जो ये मॉडल लिख रहा है मीथेन का? हाँ सर। Yes sir. ओके, नाउ मैंने क्या कहा था, ये जो मॉडल है ना इसको ऐसे एनालाइज करो कि ये दो बॉन्ड्स है ना, लाइक दीज टू बॉन्ड्स, ये जो दो बॉन्ड्स हैं दे आर फेसिंग टुवर्ड्स यू, गेटिंग इट? देखो देखो ये मूव कर रहा है इसको, ये दो बॉन्ड तुमको फेस कर रहे हैं, ये दो बॉन्ड पीछे की तरफ जा रहे हैं, अंडरस्टूड? ये दो बॉन्ड तुमको फेस कर रहे हैं, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, वेट, या ये बोला मैंने तुमको, द टू बॉन्ड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स यू and the two bonds are away from you, getting a point? Yes. Understood? This structure is tetrahedral structure, और इसी को तुम्हें visualize करना है, understood? इस structure को हमेशा, अगर एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, tetrahedral structure की बात करूं, तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि अगर दो बॉन्ड मैंने ऐसे बना दिए तो बाकी के दो बॉन्ड कहाँ आएंगे? सपोज करो ये बॉन्ड इस ग्रीन पेपर पर हैं, तो बाकी के दो बॉन्ड कहाँ आएंगे? टेट्राहेड्रल के अंदर अगर दो बॉन्ड दो ग्रुप ऐसे डाल दिए तो बाकी के दो ग्रुप कैसे आएंगे? एक ग्रुप तुम्हारी तरफ आएगा, एक ग्रुप पीछे की तरफ जाएगा, गेटिंग इट? जो ग्रुप तुम्हारी तरफ आएगा ना उसको मैं वेज से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो ग्रुप पीछे की तरफ जाता है मैं उसको डैश से रिप्रेजेंट करता हूँ। बात समझ में आई? Yes. तो ये दोनों ग्रुप तुम्हारी तरफ है, राइट? मैं इसको जरा रोटेट कर रहा हूँ, मैंने ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का बनाया, ये दोनों बॉन्ड तुम्हारे प्लेन ऑफ बोर्ड पर है, जो प्लेन ऑफ स्क्रीन है, जो बॉन्ड प्लेन ऑफ स्क्रीन पे होते हैं ना उसको हम इस तरीके से नॉर्मल बॉन्ड बनाते हैं। बात समझ में आई? और जो एटम तुम्हारी तरफ है ना इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेज, और दूसरा एटम रिप्रेजेंटेड बाय
डैश जो पीछे की तरफ है, गेटिंग अ पॉइंट, अंडरस्टूड? यस सर. ओके ग्रेट, दिस इज द ओवरऑल डेटा एड्रेस स्ट्रक्चर एंड प्लीज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ना तुम लोगों को डेटा एड्रेस स्ट्रक्चर इसी तरीके से इमेजिन करना है. किस तरीके से? द टू ग्रुप्स आर फेसिंग टूवर्ड्स यू लाइक दिस एंड द टू ग्रुप्स आर मूविंग अवे फ्रॉम यू. गेटिंग अ पॉइंट? यस सर. या एवरी टाइम. तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरीके से रोटेट करता हूँ तो ये बॉन्ड तुम्हारे प्लेन ऑफ पेपर में, ये बॉन्ड तुम्हारी तरफ है, वो वाला बॉन्ड पीछे की तरफ है, तुम्हारी तरफ वाला बॉन्ड वेज, पीछे वाला बॉन्ड डैश. कोई डाउट इसके अंदर? नो सर. वेरी गुड. ये तुम्हारा नॉर्मल बॉल स्टिक मॉडल है, इलेक्ट्रॉन मॉडल है. ठीक है, दिस इज द मॉडल व्हिच इज मूविंग. डन, अंडरस्टूड? यस सर. ग्रेट, आई जस्ट कम बैक हियर नाउ. You can see that, correct? The green one note pad is coming right. ठीक है, एक बार बताओ, मैंने क्या कहा था? ज्योमेट्री का आइसोमेरिज्म वहां पे शो हो सकता है जहां पे ना सिग्मा बॉन्ड रोटेशन में सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, और इन केस ऑफ साइक्लिक रिंग, या मैं साइक्लिक रिंग का बॉन्ड ब्रेक मतलब रोटेट कर सकता हूँ क्या? अगर मैं ये बॉन्ड रोटेट करूंगा तो ये बॉन्ड टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? पक्का? अगर मैं ये सिग्मा बॉन्ड रोटेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा? ये सपोज का मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो ये बॉन्ड इस साइड खींचेगा और ये बॉन्ड इस साइड खींचेगा, गेटिंग इट? तो ये टूट जाएगा, गेटिंग इट? तो रिंग टूट जाएगी. तो हमेशा याद रखना साइक्लिक रिंग के अंदर और जहां पे पाई बॉन्ड होता है the sigma bond rotation is not permissible. कोई doubt इसके अंदर अब तक? कोई doubt इसके अंदर? नहीं sir. Very good. Now listen. मैंने मेरे पास geometrical isomerism कब होता है? There are two conditions for geometrical isomerism. Now conditions for ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. मैंने क्या किया, एक sp2 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल उठा लिया, इथीन. sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ना. मेरे पास ना कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक ए ग्रुप लगा हुआ है, एक बी ग्रुप लगा हुआ है, ये एक ए ग्रुप लगा हुआ है, ये बी ग्रुप लगा हुआ है. पहली कंडीशन वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, द ग्रुप विच इज अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर कार्बन शुड नॉट बी सेम, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी. दिस इज कंडीशन नंबर वन. और कंडीशन नंबर टू, हेयर ऑल्सो ऑन दिस कार्बन द टू ग्रुप्स आर अटैच्ड हेयर, ए एंड बी, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी. सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये सारे ग्रुप्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे दे शुड लाई इन अ सेम प्लेन, एग्जिस्ट इन अ सेम प्लेन. बात समझ में आई? बात समझ में आई? हेलो. तो ए बी they are all in the same plane, bolo ha ya na? Yes sir. A is not equal to B, A is not equal to B, correct? ab mere paas pi bond hai to pi bond ke chalte hue kya main sigma bond rotate kar sakta hu kya? No sir. Bas geometrical isomerism itna hi tha, batata hu karna kya iske andar. Suno, sabse pehle cis and trans, cis trans isomerism. इन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तुमको क्या देना है? यहाँ पे लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है Cl, यहाँ पे भी लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है Cl. यहाँ ले लो, तुम्हारा लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है Cl, यहाँ लगा हुआ है Cl, यहाँ लगा हुआ है CH3. कोई डाउट? यार एक बात बताओ, इस कार्बन पे ये जो दो ग्रुप्स लगे हुए हैं दोनों सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग. वेरी गुड. ये दोनों सेम है कि अलग अलग है?
अलग अलग, ये सारे चारों ग्रुप्स दे आर एग्जिस्टिंग इन अ सेम प्लेन, बोलो हाँ या ना? यस। सिग्मा बॉन्ड रोटेशन इज नॉट परमिसिबल, मतलब दोनों सी एच थ्री एक दूसरे की तरफ ही है तो दोनों तो सी एच थ्री एक दूसरे की तरफ ही रहेंगे एंड क्या कहते हैं उसको चेंज नहीं हो सकते, गेटिंग इट? अंडरस्टूड? यस सर। या अंडरस्टूड? या खुशी, वन सेकेंड। जब दोनों सेम ग्रुप अगर सेम साइड पे होते हैं ना तो इसको बोलते हैं सिस, क्या बोलते हैं? सिस। और अगर दोनों सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के 180 डिग्री पे होते हैं इसको बोला जाता है ट्रांस। कोई डाउट? तो हो जाएगा सिस आइसोमर, हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। अब बच्चे बोलते हैं कि सर आपने बोला था बॉन्डिंग सेम है, तो देखो ना यार, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन भी सीएल और सीएचथ्री से बॉन्डेड है, ये भी सीएल और सीएचथ्री से बॉन्डेड है, ये सीएल और सीएचथ्री से बॉन्डेड है, ये भी सीएल और सीएचथ्री से बॉन्डेड है, तो बॉन्डिंग तो सेम ही है ना, सिर्फ ओरिएंटेशन का जो है ना, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स, ये दोनों सीएचथ्री सेम साइड पर है, ये दोनों सीएचथ्री अपोजिट साइड पर, तो ये क्या दोनों ओरिएंटेशन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। और ये ओरिएंटेशन अलग अलग क्यों है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं। और जब सिग्मा बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता उस आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये कैटेगरी किसके अंदर आता है? सिस ट्रांस के अंदर। कोई डाउट अभी? चले आगे गाइस, अंडरस्टूड? ये सब लिख लिया, वेरी गुड। यस। ये लिख लिया, द साइक्लिक रिंग एंड पाई बॉन्ड डज नॉट परमिट, डज नॉट अलाउ द सिग्मा बॉन्ड टू रोटेट। यस। ओके, ये लिख लिया, कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यस। ओके, ये लिख लिया, सिस एंड ट्रांस। Done. Everyone has written that? Yes. Great. Now listen. Some examples I'll take. Now I'll take a cyclic ring. देखो मैं cyclic ring ऐसे ही बना सकता हूँ। मैंने बना लिया cyclobutane और यहाँ पे रख दिए दो bond. यहाँ पे रख दिए दो bond. अगर suppose करो यहाँ पे CH3 रख दे, यहाँ पे CL रख दे, यहाँ पे CL रख दे, यहाँ पे CH3 रख दिया. ये भी साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे तुमने रख दिया सी एच थ्री, यहाँ पे रख दिया सी एल, यहाँ पे रख दिया सी एच थ्री, यहाँ पे रख दिया सी एल। तो एक बार बताओ, यहाँ पे भी जो ये कार्बन है यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी है, करेक्ट? यस सर। ए इज नॉट इक्वल टू बी है, करेक्ट? और ये चारों ग्रुप मोर ऑर लेस सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? सेम प्लेन में आ रहे हैं ना, एक ही प्लेन के अंदर चारों ग्रुप्स आ रहे हैं, तो ज्योमेट्रिकल और सिग्मा बॉन्ड रोटेशन अलोंग इन द साइक्लिक रिंग इज अलाउड और नॉट? नॉट। तो एक बार बताओ, क्या सी एच थ्री अपने आप नीचे जा सकता है क्या? नो सर। अगर नहीं जा सकता तो मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हो गए कि सेम मॉलिक्यूल हो गए? ये सारों मॉलिक्यूल, ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स बनाए हम लोगों ने, ये दोनों अलग अलग हो गए कि सेम हो गए? अगर ये दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो बेटा ये मॉलिक्यूल अलग है, ये मॉलिक्यूल अलग है कि दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं? तो बोलोगे इज इट पॉसिबल दैट, हाँ अगर ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं तो ये क्या हो जाएगा? जब दोनों क्लोरीन अब एंटायर पोजीशन पे है, क्लोरीन ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, एक सी एच थ्री ऊपर जा रहा है, एक सी एच थ्री नीचे जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिस या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस। और इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? सिस। अंडरस्टूड दैट पॉइंट? यस। अंडरस्टूड दैट पॉइंट?
चले आगे। चलो ग्रेट, चलो ग्रेट। नाउ नेक्स्ट एक बताओ, ये साइक्लोप्रोपेन ले लिया, साइक्लोब्यूटेन ले लिया, साइक्लोब्यूटेन ले लिया, साइक्लोप्रोपेन ले लिया, साइक्लोप्रोपेन ले लिया, साइक्लोपेंटेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सी एच थ्री तुम्हारी तरफ, एच पीछे की तरफ, अगर ये दोनों बॉन्ड इधर हैं तो चले से सी एच थ्री तुम्हारी तरफ, एच एच पीछे की तरफ, या फिर सपोज यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। एक बार बताओ इन इन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स यू, मूविंग अवे फ्रॉम यू, टुवर्ड्स मी, या टुवर्ड्स यू। अच्छा साइक्लोप्रोपेन के अंदर अगेन दो बॉन्ड्स हैं, एक तुम्हारी तरफ एक पीछे की तरफ, साइक्लोप्रोपेन में अगेन दो बॉन्ड्स हैं, तुम्हारी तरफ पीछे की तरफ, यहाँ फ्लोरीन ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो, यहाँ क्लोरीन ले लो, यहाँ क्लोरीन ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो, यहाँ क्लोरीन ले लो, यहाँ क्लोरीन ले लो, यहाँ सी एच थ्री ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो, यहाँ फ्लोरीन ले लो, यहाँ सी एच थ्री ले लो, यहाँ पे सी एल ले लो और यहाँ पे एच ले लो, पीछे की तरफ सी एल ले लो, पीछे की तरफ एच ले लो। एक बात बताओ सिस या ट्रांस, ये वाला मॉलिक्यूल जल्दी, दोनों सी एच थ्री तुम्हारी तरफ फेस कर रहे हैं, ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ये सिस हो गया, इधर ट्रांस क्लोरीन है, ठीक है, ये ट्रांस, ये गाइस सबको समझ में आ रहा है, ये क्या है, ट्रांस, वेरी गुड, ये क्या है, ट्रांस, ये क्या, ट्रांस, अंडरस्टूड, समझ में आई बात सबको, वेरी गुड। ये पता लग गया कि बॉन्ड कैसे बना रहा हूँ, ये दो उंगलियां तुम ऐसे रख लो वी की शेप में, बाकी का वी का शेप प्लेन हो, परपेंडिकुलर होगा ना, एक अंदर की तरफ जाएगा एक बाहर की तरफ आएगा, राइट, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, बोलो हाँ या ना, यस सर, ग्रेट, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चले आगे, इतना लिख लिया, हैव यू रिटन दिस, यस, हैव यू रिटन दिस, नो सर, लिखो जल्दी,
लिख लिया गाइस? यस। चलो आगे चलें। Everyone has written that, correct? Yes, sir. Okay, so, so. Nice. Hey, system trans clear हुआ? Yes, sir. अच्छा, अब एक ना कॉमन सी चीज बता रहा हूँ। अगर कोई तुमसे पूछने सिस और ट्रांस साइक्लोएल्कीन्स में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है? तो सिस एंड ट्रांस इन साइक्लोएल्कीन्स, सुनो अच्छे तरीके से। साइक्लोप्रोपेन ले लिया, साइक्लोब्यूटेन ले लिया, साइक्लोपेंटेन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, टिल 7 कार्बन रिंग, 7 कार्बन तक। अगर मैं कहीं भी पाई बॉन्ड डालूं, यू टेल मी, कहीं भी पाई बॉन्ड डालूं, यहाँ पे डालूं, यहाँ पे डालूं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं भी डालूं, आई एम जस्ट पुटिंग अ पाई बॉन्ड रैंडमली, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा मैं कहीं भी डाल रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो समझो इस कार्बन और इस कार्बन को नोटिस करो, तो इस कार्बन और इस कार्बन में ये दोनों कार्बन बॉन्ड सेम साइड पे जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना? ये दोनों बॉन्ड सेम साइड पे जा रहे हैं और ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे जा रहे हैं, कोई इश्यू इसके अंदर? इधर देखो, ये वाला कार्बन इस साइड है, ये वाला कार्बन भी इस साइड है, ये दोनों हाइड्रोजन इस साइड है। इधर देखो, ये दोनों कार्बन भी इस साइड है, सेम कार्बन, ये वाले हाइड्रोजन भी सेम साइड पर। यहाँ पे ये कार्बन मतलब पूरी रिंग एक साइड पर है और हाइड्रोजन एक साइड पर है। यहाँ पे भी इस तरीके से काम हो रहा है, कोई डाउट? तो नेचुरली 3 मेंबर से 7 मेंबर रिंग कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, विल बी सिस और विल बी ट्रांस? या पता है क्या, ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करता इनमें, इज ओनली सिस। तो कौन सा एल्कीन एग्जिस्ट करता है? सिस। गेटिंग इट? लिख लिया गाइस? लिख लिया ये कि 3 मेंबर से 7 मेंबर की जो रिंग्स हैं वो सिर्फ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? सिस। अंडरस्टूड? यस। वेरी गुड। अभी फ्रॉम 8 to 11 मेंबर रिंग, फॉर एग्जाम्पल अभी 10 मेंबर रिंग बना देता हूँ, 10 मेंबर रिंग के अंदर साइक्लोडेकेन है, ठीक है? दिस इज 10 मेंबर रिंग, कोई डाउट? अब एक बात बताओ, 10 मेंबर रिंग के अंदर ना दो टाइप के फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो 10 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 कार्बन। नाउ एक काम करो, मैं पाई बॉन्ड अगर यहाँ डालता हूँ इस साइड, तो एक बात बताओ, ये कार्बन नीचे जा रहा है, ये कार्बन ऊपर जा रहा है, ये हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, ये हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है, ये कौन सा फॉर्म? वेरी गुड, बड़ी रिंग्स के अंदर ट्रांस पॉसिबल है। और यहाँ पाई बॉन्ड डालूंगा तो ये कार्बन इधर जा रहा है, ये कार्बन इधर जा रहा है, ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, ये हाइड्रोजन इधर जा रहा है, गेटिंग? ये कौन सा फॉर्म हुआ? सिस। तो बड़ी मेंबर रिंग्स के अंदर सिस और ट्रांस पॉसिबल,
हाँ है। और पता है क्या, 8 से 11 के बीच में ना, 8 to 8 to 11 मेंबर रिंग के अंदर सिस जो है ना, इट इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। स्टेबल, अंडरस्टूड? अब ऐसा क्यों है मैं तुमको समझा देता हूं। ये साइक्लिक रिंग ट्रांस बनाते, ठीक है, ट्रांस डेकिन, ये लिख लिया तुम लोगों ने अभी तक, ये लिख लिया, बोलो हाँ या ना। सर नीचे के लिखना, ये लिख लो पहले, लिख लिया। सर ये बट इसका ये 10 मेंबर रिंग है ना, हाँ तो ये ऐसे क्यों है, ऐसे मतलब पूरा ऐसे सर्कल जैसे क्यों नहीं है? देखो sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स है ना, तो अगर ये पूरा सर्कल होगा तो एंगल स्ट्रेन नाम की एक चीज होती है जिससे मॉलिक्यूल बहुत अनस्टेबल बनता है, तो हम ना उस जगह जाते नहीं हम। ऐसे मान लो कि द वे इट हैज टू बी लाइक दिस, इट हैज टू बी दिस वे ओनली। अब ये चक्कर क्या, ट्रांस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है। ट्रांस तो बनाने के लिए हमने बना दिया है, ठीक है। ट्रांस पता है किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, तुम्हें तुम्हें क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि सर सिस ज्यादा क्यों स्टेबल है ट्रांस से। बिकॉज जनरली अगर बच्चे सोचते हैं इस बारे में तो ये सोचते हैं कि यार सिस के अंदर ना जो दो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे हैं, और दो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं सपोज हाइड्रोजन वो इस साइड पे हैं। और ट्रांस के अंदर क्या होगा, अगर दो ग्रुप सेम ग्रुप्स हैं अगर वो अपोजिट साइड में हैं, ठीक है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो सिस ज्यादा स्टेबल हुआ कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल हुआ? जनरली जनरली ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, गेटिंग इट? और जब जिस मोमेंट पे मैंने बोला कि सिस ज्यादा स्टेबल है ट्रांस से, तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आएगा ना कि ऐसा क्यों है ना। यस सर। अब सुनो ऐसा क्यों, पता है क्या, ट्रांस जो मॉलिक्यूल है ना, 8 से लेके 11 मेंबर रिंग तक जो ट्रांस मॉलिक्यूल है वो ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ट्रांस ऐसे एग्जिस्ट करता है, सपोज ट्रांस डेकीन बना रहा हूं मैं, ट्रांस डेकीन में क्या होगा, 4 कार्बन मान लो, पहले 4 कार्बन, ये 2 कार्बन एटम ले लो, ये 2 कार्बन एटम तुम्हारी तरफ है और ये सपोज पाई बॉन्ड बना रहे, कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। 2 कार्बन एटम ना पीछे वाले किसी रिंग के, फॉर एग्जाम्पल ये वाले बॉन्ड ले लो, ये वाला बॉन्ड ड्रॉ किया, इसके पीछे ये दोनों बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों बॉन्ड है ना उसके पीछे आ रहे हैं, ये दोनों कार्बन पीछे आ रहे हैं, तो मैं डैश से रिप्रेजेंट कर दूं इन दोनों को, डैश का मतलब पीछे की तरफ, एग्री? यस सर। अब 3 डायमेंशन मॉडल तो मैं बना नहीं पाऊंगा इसका, तो 2 डायमेंशन के अंदर ही 3 डायमेंशन दिखाने की कोशिश करता है, गेटिंग इट? अब सुनो बाकी बच्चे कितने कार्बन, अगर 4 बन गए ना तो बाकी कितने बचे, 6 कार्बन बचे, तो 6 कार्बन क्या है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा, ये तुम्हारा एक और कार्बन से जुड़ेगा, तुम्हारी तरफ फेस करेगा और ये इससे जुड़ गया, कोई डाउट? 3 कार्बन एटम डाल दिए, इधर भी हमने क्या किया, कार्बन कार्बन तुम्हारी तरफ कार्बन, तुम्हारी तरफ कार्बन, तो एक बात बताओ ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, सिस या ट्रांस?
सिस या ट्रांस? ट्रांस, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये कार्बन नीचे, ये कार्बन ऊपर, ये हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, ये ट्रांस कॉन्फिगरेशन है। ट्रांस कॉन्फिगरेशन में शैल से इधर जो 10 मेंबर रिंग है ये पीछे से मुड़ के, एकदम मुड़ के यहाँ से जुड़ रही है, तो शैल से इधर जो साइक्लिक रिंग है उसमें ट्विस्ट आ गया, साइक्लिक रिंग मुड़ गई है, उसकी वजह से ये इस टाइप से हो गई है। और मुड़ने की वजह से पता है क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये जो पाई बॉन्डेड वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली रिपेल कर रहे हैं, गेटिंग अ पॉइंट। सो एक काम करता है, शैल से कि मेरे पास ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है, they are and these bonded pair of electrons undergoing repulsions, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जाएगा, और ये 8 मेंबर से लेके 11 मेंबर तक रहेगा ही रहेगा, गेटिंग इट, अंडरस्टूड? Yes. तो डन है इतना, लिख लिया। चलो हटे आगे, चले आगे। Yes. लिख लिया, बना लिया स्ट्रक्चर, और ये लिख लिया फ्रॉम 8 to 11 ट्रांसफॉर्म विल अंडरगो रिंग ट्विस्ट, और रिंग ट्विस्ट की वजह से द मॉलिक्यूल बिकम हाईली हाईली Unstable. Getting it? समझ में आई बात? आगे चलें? One minute, sir. Okay, great. Now, from 12 member ring onwards, कोई ring twist नहीं होता, चक्कर क्या है? Trans will become more stable than cis, getting a stability order. ये चीज याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछे 3 मेंबर से 7 मेंबर तक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, हाँ या ना, तो आंसर क्या होगा? नहीं। हाँ, क्योंकि सिर्फ सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। शैल वी मूव अहेड? यस सर। एक क्वेश्चन, मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इससे या ट्रांस?
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का शो होगा बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, गेटिंग इट। अब चक्कर क्या है, पहले वाले केस के अंदर ना ए बी सब सेम थे, इसमें एटलीस्ट एक ग्रुप सेम है ना, तो सिर्फ जब एक ही ग्रुप सेम होगा ना तो सिस एंड ट्रांस सिर्फ एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ट्रांस आइसोमर्स। कोई डाउट, जो चीज सिमिलर है उसको कॉन्सेंट्रेट कर लो, गॉट इट? यस। लिख लिया? यस। चलो नाउ लिसन लिसन, एक चीज रहती है ना क्वेश्चन, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है इट इज एन एटम, ऑन विच इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंटरचेंज, या खुशी आर इंटरचेंज, देन अ न्यू स्टीरियो आइसोमर is formed. Getting a point? इसका मतलब है जरा इसको analyze करो, suppose करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, छोड़ो इस carbon atom की, यार एक बात बताओ ये कार्बन एटम स्टीरियो सेंटर हुआ कि नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन में कहती है स्टीरियो सेंटर वो एटम होता है जहां पे अगर तुम दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करो ना तुमको एक नया स्टीरियो आइसोमर मिले। एक बात बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर एच आर सी एल है, एच आर एफ है, राइट, गेटिंग इट? अगर मैं एफ और एच का पोजिशन इस कार्बन एटम से इंटरचेंज कर दूं तो एच और एच सेम साइड पे आ जाएंगे, बोलो हाँ या ना? Yes, तो ये जो ट्रांस था वो सडनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये इस कार्बन एटम को चेक कर लो, अगर इसमें इन दोनों ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दिया तो अगेन तो तुम्हारा ट्रांस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये दोनों कार्बन एटम को मैं स्टीरियो सेंटर्स बोल सकता हूँ? यस। बहुत बढ़िया, लिख लिया? चले आगे। चलो नाउ लिसन, अब इजेड आइसोमेरिज्म, यार एक बात बताओ तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ ब्रोमीन है, गेटिंग इट? अब एक बात बताओ ये चारों ग्रुप सेम प्लेन में है कि नहीं है, हाँ या ना? सेम प्लेन में है कि नहीं है? यस और नो? यस। ये फ्लोरीन ये क्लोरीन सेम है कि अलग अलग है? अलग। वेरी गुड, ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो ये कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, गेटिंग इट? बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारी चीजें ये फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है ना?
ये सेकंड मेरे पास दो आइसोमर बनेंगे जहां पे फ्लोरीन आयोडीन सेम साइड पे, जहां पे फ्लोरीन और आयोडीन है अपोजिट साइड पे, यही दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। अगर ये दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो क्या मैं सिस एंड ट्रांस यूज कर सकता हूँ क्या इसके अंदर? नो सर। हाँ, जहां पे चारों ग्रुप्स जो अटैच होते ना मॉलिक्यूल के अंदर, अगर वो डिफरेंट है तो ना तुम लोग ना सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते, हम लोग ईजेड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? ईजेड। ई का फॉर्म मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है एंटेगन, एंटेगन बोलते हैं, एक जी साइलेंट है, और जेड होता है जुसमिन। जुसमिन, जुसमिन का मतलब, अच्छा जुसमिन का मतलब होता है सेम साइड, ई का मतलब होता है एनिमी, मान लो एनिमी क्या हो जाएगा, अवे, राइट। तुम्हें ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन पता करने के लिए ना सबसे पहले सीआईपी रूल्स पता होने चाहिए। कौन से रूल्स? सीआईपी रूल्स। सीआईपी रूल्स, सीआईपी रूल्स का फुल फॉर्म होता है तुम्हारा काहन इन गोल्ड प्री लॉग, प्रायोरिटी रूल्स होते हैं, प्रायोरिटी रूल्स। उस केस में हम बताया क्या करते हैं, जो भी स्टीरियो सेंटर पे एटम्स और ग्रुप्स अटैच होते हैं ना उनको प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन फ्लोरीन, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी हायर है फ्लोरीन से, लेट्स से आयोडीन की प्रायोरिटी ब्रोमीन से हायर है। तो जब दोनों सेम प्रायोरिटी ग्रुप है ना, जब वो एकदम अवे होते हैं एक दूसरे के, तो मतलब ये एनिमी हो गए, तो कहते हैं वेरी अवे फ्रॉम ईच अदर। इफ दे आर लाइक 180 डिग्री टू ईच अदर इट इज ई, और जब सेम प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड पे आते हैं इसको हम जेड बोलते हैं। समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो अभी लिखना शुरू करोगे? सर फिर वो प्रायोरिटी रूल्स का क्या हुआ? हाँ वो प्रायोरिटी रूल्स का क्या हुआ? बता रहा हूँ, पहले इतना तो करो। सर वो सी से क्या है? काहन, काहन CHN, कर लिया? यस सर। चलो आगे चलते हैं, राइट, नेक्स्ट। चलो
Where are we? Where are we? Khan in gold prelogue rules. अब सुनो इन रूल्स का क्या सा सीन है. पहला रूल, द एटम विच इज अटैच्ड टू स्टीरियो सेंटर विल गेट प्रायोरिटी इफ इट्स एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर इज हाई. सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ. सी डबल बॉन्ड सी तुमने डाल दिया एनएच टू, तुमने डाल दिया सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच बड़ा सा ग्रुप, तुमने डाल दिया फ्लोरीन, तुमने डाल दिया क्लोरीन. यार एक बात बताओ, इस स्टीरियो सेंटर पे फ्लोरीन क्लोरीन में से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका. अब मुझे बताओ NH2 बड़ा है CO, C डबल बॉन्ड OH बड़ा, क्या और किसको प्रायोरिटी. बताओ ना कौन सा मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, COH या NH2. अब मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ. अंग्रेजी में लिखा द एटम नॉट द ग्रुप. जो एटम अटैच्ड है ना स्टीरियो सेंटर से उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, पूरे ग्रुप को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना. गेटिंग इट. तो नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है. नाइट्रोजन. बात समझ में आई. तो yes. अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है प्रायोरिटी उसको हाई मिलेगी. तो दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो है इसके अंदर दे आर मूविंग वेयर, सेम साइड और अवे. अवे अवे मतलब ई या जेड. ई. डन. यस सर. सेकेंड, नाउ इफ द एटॉमिक नंबर are same, then that is in case of isotopes, then give preference to atomic weight. For example, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डाल दो हाइड्रोजन, यहाँ डाल दो ड्यूटेरियम, यहाँ डाल दो क्लोरीन 35, यहाँ डाल दो क्लोरीन 37. कोई डाउट. देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर सेम है, 1. एग्रीड. यस सर. तो मुझे बताओ किसको प्रेफरेंस दो. ड्यूटेरियम को. ड्यूटेरियम. करेंगे ड्यूटेरियम. एक बार बताओ ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम को 35 37 किसको. 37. 1 and 1 क्या हो गया. सेम साइड. जेड. जेड. अग्रीड. बोलो हाँ या ना. वेरी गुड. अभी कहाँ चलना है. तीसरा, इफ द एटम अटैच्ड, वन सेकेंड, ओके लिख लो भाई.
Okay, if the atom attached to stereo center is same, then check the next bonding of the next bonding of that atom. That is the atoms with which that particular atom is attached to. Make a set of atomic numbers in decreasing order. And compare the elements one by one. The set which contain element with highest atomic number will get the priority. Understood? सर वो लास्ट लाइन में एटॉमिक नंबर लिखा है ना. हाँ, एटॉमिक नंबर विल गेट द प्रायोरिटी. लिख लिया? यस सर. चले आगे. एवरीवन. यस यस. चलो सुनो, इस केस के अंदर ना सीन क्या है. सपोज करो मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मैंने सी डबल बॉन्ड ओ एच ले लिया, यहाँ पे मैंने सी एच ओ ले लिया. ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ डी ले लिया, यहाँ पे मैंने सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री ले लिया. ठीक है, अब चक्कर क्या है, ये एक स्टीरियो सेंटर है. एग्रीड? A is not equal to B. ये एक स्टीरियो सेंटर है. Agreed? Now इस स्टीरियो सेंटर पे तुम्हारे क्या क्या बॉन्डेड है, क्या क्या चीजें बॉन्डेड है, मेरे लाल पीलो हरे नीलो बताओगे क्या क्या बॉन्डेड है स्टीरियो सेंटर पे. ये कार्बन है और ये कार्बन है. नहीं नहीं, नहीं कार्बन एटम की बात हो रही है. जब एटम सेम होते हैं ना तो तुम्हें ये चेक करना पड़ता है कि ये एटम बाकी किस किस के साथ बॉन्डेड है. तो ये एटम कार्बन एटम इसके साथ डबल बॉन्ड ओ बना रहा है, बोलो हाँ या ना. यस. डबल बॉन्ड ओ को ना कि तुमने दो बार ऑक्सीजन काउंट करना है, तो दो बॉन्ड बन रहे तो दो बार ऑक्सीजन, फिर एक और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन रहा है तो तीन ऑक्सीजन.
तो एक सेट बना लो, ऑक्सीजन 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 डाल दो, क्योंकि अब डिक्रीजिंग ऑर्डर का तो मतलब बचा नहीं है क्योंकि सारी सेम है। इसके अंदर ये कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तुमने को डबल बॉन्ड दो बार काउंट करना है, और एक हाइड्रोजन है, तो सेट क्या बनेगा तुम्हारा, ओ ओ एच, गेटिंग इट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले हायर एटॉमिक नंबर फिर लोअर एटॉमिक नंबर, एक एक करके एलिमेंट को कंपेयर करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सेम, गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों सेम, गो फॉर नेक्स्ट एलिमेंट, ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसको ज्यादा प्रायोरिटी दो, ऑक्सीजन, तो ये हो गया पहला प्रायोरिटी, कोई इश्यू? अब इधर आ जाओ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड ओ एंड सिंगल बॉन्ड ओ, तो हो जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कोई डाउट? अरे कोई डाउट, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी आ जाएगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है, दो बार ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन 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 सेम आया तो गो फॉर नेक्स्ट बॉन्डिंग, कार्बन के बाद कौन सा आइटम आ रहा है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, ड्यूटेरियम, ये ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्डेड है, कार्बन, तो ड्यूटेरियम को प्रेफरेंस दूंगी कार्बन को प्रेफरेंस, ड्यूटेरियम, एग्जैक्टली, देखो यार ये कार्बन तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, तो मुझे इस कार्बन की बॉन्डिंग नहीं देखनी, मुझे ना इस ऑक्सीजन की बॉन्डिंग देखनी है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है और इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो कार्बन नहीं लूंगा मैं, सिर्फ कार्बन, ठीक है, सिर्फ ड्यूटेरियम, तो कार्बन को प्रेफरेंस दो, ड्यूटेरियम को तुमने क्या बोला, अरे किसको प्रेफरेंस दो, कार्बन की ड्यूटेरियम, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हाँ तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो वन सेकंड, E या Z? E. डन, समझ में आया? ये बेटा समझ में आया? Yes, sir. आगे चले, एक बात बताओ, 1 मिनट सर, ये लिखो, ओके अब सुनो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, उसमें एक ट्रिक बताने, उसके बाद आगे चलते हैं। फील नहीं आई, रुको,
इसका ई और जेड बताओ जरा। अरे बताओ कौन सा ईयर जेड, सारे बताओ, चैट बॉक्स खुला हुआ बता दो। इसमें से और इसमें से नीचे वाले या ऊपर वाले में से किसको हायर प्रायोरिटी दी, नीचे या ऊपर? सब सेम है यहाँ, क्लोरीन है ठीक है, इधर किसको प्रायोरिटी दी? अगर इसका सेट बनाऊंगा कार्बन कार्बन सेम है तो ये कार्बन किस किस साथ जुड़ा हुआ बताओ सर, ये कार्बन किस किस के साथ जुड़ा हुआ है बताओ जरा। एस एच एच, और ये अरे ऑक्सीजन 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 बाबा, कार्बन क्यों, तीन ऑक्सीजन ना। अब बताओ अब क्या होगा, गाइस अब किसको प्रायोरिटी दूं, नीचे या ऊपर? समिशन समिशन देखूंगा ये, कंपैरिजन देखूंगा, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन, पहला एलिमेंट सल्फर, नीचे का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो पहला प्रायोरिटी, तो क्या आएगा ये? करेक्ट। अब सुनो, लिख लिया ये सबने, लिख लिया सबने, यस सर। ओके नाउ लिसन, मुझे ना इस कंपाउंड को कंपेयर करना है, चलो या फील नहीं है, मुझे ये पता करना है कि ई ए की जेड है ठीक है। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे और यहाँ पे किसको प्रायोरिटी दूं, ऊपर या नीचे? ओके ग्रेट, अब इधर आ जाओ। पता है क्या, जब भी तुम्हारे पास साइक्लिक रिंग आती है, कॉन्सेंट्रेट हियर, जब भी तुम्हारे पास कोई भी साइक्लिक रिंग आती है तो जब जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो ना उस पॉइंट पे तुमको वापस आना पड़ता है, और तुमको स्टार्ट दोनों पॉइंट से करना है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो दो लेयर और दो सेट बनते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो एक
कार्बन वाला बन जाएगा यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन आ जाएगा, तो कार्बन सॉरी कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कार्बन 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 और हाइड्रोजन से जुड़े। नाउ व्हेन आई एम रीचिंग ओवर हियर, पहला पॉइंट ये रहा, पहला पॉइंट ये रहा, तो ये दो दो सेट बनना शुरू हो जाएंगे यहां से। मुझे यहाँ पे भी मूव करना है, मुझे यहाँ पे भी मूव करना है। अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो ये कार्बन कार्बन और दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और दो हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन भी कार्बन और दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो जब दोनों साइड से तुम मूव कर रहे हो ना, तो तुम्हारे पास छह एटम्स अटैच होके आ रहे हैं, दो कार्बन दो एक एक कार्बन दो हाइड्रोजन, दो दोनों छह एटम्स हो गए, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 का सेट बनेगा। बात समझ में आई? बोलो नहीं, बोलो नहीं। रुक सर, वो सर्कल की है, वो कार्बन तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। जाओ बताता हूँ, मुझे फील नहीं है तुम्हें क्या है। देखो इसको करना कैसे है, जब भी कोई साइक्लिक करेंगे कार्बन, ये एक साइक्लिक रिंग यहां से शुरू हो रही है, लेट से। देखो जब मैं इस कार्बन के बाद मूव करूंगा ना, तुम यहां से जब साइक्लिक रिंग शुरू होगी, तुमको एक तो ये वाला पाथवे लेना है वापस इस कार्बन तक, उसके बाद तुमको ये वाला पाथवे लेना है अगेन वापस इस कार्बन तक, दो पाथवे जाएंगे इकट्ठे। तो अगर मैं इस वाले पाथवे की बात करूं, तो ये वाला कार्बन जो है वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई डाउट? कि ऊपर वाला कार्बन साइमल्टेनियसली जब मैं इस वाले पाथवे में जाऊंगा, तो मैं इस वाले कार्बन की बॉन्डिंग की बात करूंगा ना, अगर मैं हाँ इस कार्बन की बॉन्डिंग की बात करूंगा, तो ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो दोनों कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े हुए, तो पूरा सेट मिलेगा ना, मिलेगा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बात समझ में आई? उसके बाद दोबारा से तुम यहाँ जी पहुंचोगे, ये भी दोबारा से यहाँ पहुंचेगा, तो इस कार्बन की बॉन्डिंग देखोगे, ये कार्बन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और क्या नाम है कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस ये वाला जब इस डायरेक्शन में आओगे, तो बोलोगे कार्बन से जुड़ा हुआ और दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो अगेन तुम्हारे पास सेम सेट आएगा कि नहीं आएगा? अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये वाला कार्बन कार्बन और दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो अगेन ये वाला कार्बन कार्बन और दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, करेक्ट? तो अगेन दो बार लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? फिर लिखना पड़ेगा। ये इधर आ जाएगा, और यहां से वाला कार्बन यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये वाला कार्बन तुम्हारा ये कार्बन और दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन तुम्हारा इस कार्बन और दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, गेटिंग इट? जब तुम यहाँ पे वापस आ जाओगे ना, ये खत्म हो जाएगा। तो मतलब तुमको दो बार आना है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, कोई डाउट इसके अंदर? अभी साइक्लिक रिंग के साथ इस तरीके से डील करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लगा के देखते हैं इसके अंदर, नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर। चलें आगे। हाँ सुनो जरा, या नाउ लिसन, कार्बन और कार्बन दोनों सेम है, गो फॉर नेक्स्ट बॉन्डिंग, राइट? तो अगर मैं नेक्स्ट बॉन्डिंग की तरफ जाऊंगा, तो ये कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हमारा कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन हमारा कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एग्रीड? यस सर। तो दो बार काउंट करोगे बेटा खुशी, डबल बॉन्ड को दो बार काउंट करते ना, अगर डबल बॉन्ड होता, वही वही नॉर्मल रूल है। अब सुनो, इसमें दो चेन शुरू हो रही हैं, तो ये वाला कार्बन, इसके बाद तुम इस वाले कार्बन पे आओगे और इस वाले कार्बन पे आओगे, इसमें भी मैं दोनों डायरेक्शन से जा रहा हूँ, तो मैं भी इस वाले कार्बन पे आऊंगा और इस वाले कार्बन पे आऊंगा, कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं ये वाला कार्बन इस डायरेक्शन से जा रहा हूं, तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है और दो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, कोई डाउट? नो सर। मूविंग लाइक दिस,
this carbon is bonded with this carbon and two hydrogens. So I just write a set over here. Here also, if I'm moving like this, this carbon is bonded with another carbon and two hydrogens. Agreed? Agreed? Yes. Yes, sir. So carbon, hydrogen, hydrogen, carbon, hydrogen, hydrogen. Agar dono cheeze same hai, right? Dono cheeze same hai. Iska dekh lo. Carbon, hydrogen, hydrogen, carbon, hydrogen, hydrogen. Again, ye CHH hai, ye bhi CHH hai. Again, dono sare set same aa rahe hain. To aage move karein. आगे जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं तो ये वाला कार्बन आएगा, कोई डाउट? ये वाला कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्डेड है? दो, और एक कार्बन से बॉन्डेड है क्योंकि मैं मूव इस डायरेक्शन में कर रहा हूं, गेटिंग इट? आया ना? तो ये हो जाएगा सी एच एच अगेन. अगर मैं इस डायरेक्शन से मूव कर रहा हूं तो अगेन इस कार्बन का बॉन्डिंग देखना पड़ेगा मेरे को. तो ये किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. करेक्ट? करेक्ट. अगर मैं इस डायरेक्शन से आया तो अगेन इस कार्बन की बॉन्डिंग देखनी है. अगर मैं इस डायरेक्शन से आया तो मैं इस डायरेक्शन वाले कार्बन को काउंट करूंगा. तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. कोई डाउट इसके अंदर? अगेन दोनों के जो एलिमेंट के सेट हैं वो क्या है, सेम है कि अलग अलग है? इसके बाद ये वाला कार्बन कहाँ शिफ्ट करेगा? ये वाला यहाँ पे आ जाएगा जो मैं इस डायरेक्शन से जा रहा था. अब इसकी नेक्स्ट बॉन्डिंग चेक करूंगा. इसकी बॉन्डिंग किसके साथ हो रखी है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. वेरी गुड. तो ये दोबारा आ जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. मैं यहां तक पहुंच गया था, ठीक है? सॉरी, मैं यहां तक पहुंच गया था. अभी इसकी बॉन्डिंग चेक करनी पड़ेगी. अगेन ये किससे बॉन्डेड है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. करेक्ट? जब तक मैं वापस नहीं आता इस पे तब तक मैं इसको रोकूंगा नहीं. वेरी गुड. तो एक बार बताओ, इसके बाद तो इस कार्बन की बात करूं तो तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तीनों? अरे हाँ या ना? अगर मैं इस कार्बन पे पहुंच गया तो तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है. कोई डाउट? नो सर. तो तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन. सीएचएस, सीएचएस. किसको प्रेफरेंस दो? साइक्लिक वन. साइक्लिक को. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस सर. चलें आगे. मुझे एक बात नहीं समझी कि आपने चार बार क्यों ये किया जब थ्री थर्ड टाइम पे ही एच 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 आ जा रहा था. तो जब थर्ड टाइम पे कैसे आया एच एच एच? रुक जा. ओ, I need not do this thing. मैंने आई गेस को गलत काउंट कर दिया. गेटिंग इट? इसकी बॉन्डिंग मैंने सी एच एच काउंट कर ली. एच 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 होनी चाहिए, तो यहीं पे आगे खत्म हो जाता है. गेटिंग इट? चलो एक काम करो, अब ठीक है? अभी भी विन-विन सिचुएशन है.
लिख लिया। चले आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुनो, चौथा लास्ट। सपोज करो तुम्हारे पास ना ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। अब तुम ये गलती तो करोगे नहीं कि मतलब इसके अंदर चेक करोगे नेक्स्ट बॉन्डिंग की, बिकॉज देखा जाए तो पूरा ही बॉन्डिंग सेम है इसका भी और इसका भी, राइट? ये दोनों ही आपस में ईजेड आइसोमर्स हैं, राइट? तो जो भी बॉन्डिंग है सबका सेम ही होने वाला है, बस ओरिएंटेशन में फर्क है। है ना, है ना? अरे बाबा, इसके अंदर ईजेड लगा सकता, मतलब इसके अंदर जो है क्या मैं प्रायोरिटी लगा सकता हूँ कान इन गोल्ड वाली नॉर्मल तरीके से? यहाँ पे भी जाओगे हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे आ जाओगे फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन, फिर यहाँ पे आ जाओगे, खत्म हो गया ना सारा काम। तो सब कुछ तो सेम ही है ना बॉन्डिंग के हिसाब से, तो है ना? यस सर, सेम। अब एक बार बता, इनकी बात कर, इन दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है? फ्लोरीन क्लोरीन किसका? क्लोरीन वन। इन दोनों में से प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है? हाइड्रोजन की कार्बन? कार्बन। वेरी गुड। ये ई है कि जेड है? ये ई है कि जेड है? ई। यहाँ पे हाई प्रायोरिटी और वन सेकेंड, यहाँ क्लोरीन ले ले और यहाँ फ्लोरीन ले ले, हाई प्रायोरिटी यहाँ पे, करेक्ट? हाई प्रायोरिटी इधर, हाई प्रायोरिटी इधर, करेक्ट? तो ये क्या सही बनाया था? रुक जाए, रुक 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 रुक, सही बनाया था, एक मिनट ना, एक मिनट। ये जेड है ना, दोनों हाई प्रायोरिटी सेम साइड पे, और ये तुम्हारा ई है, करेक्ट? दोनों हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड पे, करेक्ट? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर? सुनो, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन, ठीक है? एक बार बताओ, हायर प्रायोरिटी क्लोरीन, हायर प्रायोरिटी कार्बन, ये कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बॉन्डेड है, तो हायर प्रायोरिटी कार्बन, दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन द सेम साइड, तो इसको मैं क्या बोलूँ, जेड या ई? जेड। जेड। इधर हायर, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी ऊपर वन, इन दोनों में से हायर प्रायोरिटी नीचे, तो दोनों हायर प्रायोरिटी वाले 180 डिग्री पे, सो क्या बोलूं? ई। पता है क्या, ई और जेड में से जेड को हायर प्रायोरिटी मिलती है, तो जब दोनों ही स्टीरियो आइसोमर्स लगे हों तो किसको हायर प्रायोरिटी दोगे? किसको हायर प्रायोरिटी दोगे? जेड की। तो ऊपर वाले को हायर प्रायोरिटी मिल गई, इनमें से हायर प्रायोरिटी किसकी है? क्लोरीन। ए वन। तो ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा जेड, ये हो जाएगा ई। बात समझ में आई कैसे करना? एक बार लिख लो उसको।
लिख लिया गाइस? यस सर। ओके या आई एम डूइंग दैट नाउ खुशी। हाँ जी, ई और जेड पता करना है इसके अंदर, कोशिश करो। या ओके ओके एवरीवन, इनमें से और इनमें से तुमने प्रेफरेंस किसको दी? लोवर। चलो ठीक है, निरंजन इज सेइंग लोवर। खुशी देवांगी शामिका आर्या
सौरम्या सुरम्या शांतनु जय, क्या लिखा, क्या आया हमारे पास? अगे लिसन, यहां पे पहुंचे, ये कार्बन कार्बन और कार्बन के साथ बॉन्डेड है, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर, जब कार्बन कार्बन से में गो फॉर नेक्स्ट बॉन्डिंग, ये कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है? CCH। CCH। ये कार्बन किसके साथ बॉन्डेड है? CCH। एग्रीड। नेक्स्ट बॉन्डिंग इस कार्बन की होगी, नेक्स्ट HH। बॉन्डिंग इस कार्बन की होगी, करेक्ट। अगर नेक्स्ट बॉन्डिंग इस कार्बन की होगी तो कितना हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है? एच और एच। और नेक्स्ट बॉन्डिंग इस कार्बन की होगी और इस कार्बन की होगी, दोनों की होगी, राइट? तो क्या आएगा? CCH। CCHHHH। तो किसको प्रायोरिटी दी? नीचे वाले इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी मिली? कार्बन कार्बन सेम है, वाले। गो फॉर नेक्स्ट बॉन्डिंग। ये CH2, ये CH2 सेम है, गो फॉर, इधर आ जाओ। ये कार्बन जो है ना वो क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, राइट? और ये कार्बन जो है ना वो तुम्हारा कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। तो क्लोरीन और कार्बन में से किसको कंपेयर करूं? क्लोरीन और कार्बन किसको हाई क्लोरीन और प्रायोरिटी मिली? कार्बन। क्लोरीन। क्लोरीन और कार्बन में से क्लोरीन को हाई प्रायोरिटी मिली, तो इट विल बिकम हाई प्रायोरिटी। मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। तो ई ए या जेड है? ये डन, कर लिया। यस। ओके ग्रेट। नाउ लिसन, नेक्स्ट इज सिनेंटा, द लास्ट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिनेंटा, ठीक है? सिनेंटा है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। सुनो भाई, तुम्हारी 8 बजे से लेके 9 बजे तक डाउट क्लास है, राइट? हाँ, तो जितने भी डाउट्स हैं, जो भी हैं, कलेक्ट करके बैठो। यू हैव डाउट क्लास फ्रॉम 8 to 9। मुझे अपने सारे डाउट व्हाट्सएप कर दो। जल्दी।